Find the domain and range of the function fx is equal to 1 upon root of x minus 5. So let's see how we are going to solve this problem. So सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूँ. And the function is fx is equal to 1 upon root of x minus 5. तो देखिए हमें गिवन फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है और डोमेन का मतलब होता है कि मुझे वो सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को प्रोवाइड करना है जहां पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब यू विल गेट सम आउटपुट देयर. तो यहाँ पे जो बेसिक हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि सपोज अगर मेरे पास इस फॉर्मेट का कोई भी एक फंक्शन है y is equal to 1 upon root x, और अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन रहे, मतलब यू विल गेट सम आउटपुट, तो ये जो डाटा है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. आप इसे जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो लेंगे तो ये 1/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा. आप इसे नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी डिफाइंड नहीं है, मतलब दैट मस्ट बी ए वो जो नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक इमेजनरी क्वांटिटी आने जा रहा है और हम लोग रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है वाई इज इक्वल टू 1/√x, तो इसमें एक्स की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे टर्म जो आपको नजर आ रहा है विच इज x माइनस 5, मीन्स x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा x इज ग्रेटर देन 5, या फिर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल एंड दैट इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विच इज 5 टू इंफिनिटी ओपन. अब चलते हैं फंक्शन के रेंज को कैलकुलेट करने के लिए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन. देखिए जब आप किसी फंक्शन का रेंज निकालते हैं तो रेंज निकालने का जो बेसिक स्टेप्स हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लेके आना है और फिर वाई को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के आप फंक्शन का डोमेन निकाल देते हैं जो कि गिवन फंक्शन का रेंज भी होगा. तो फंक्शन हमारे पास है वाई इज इक्वल टू 1/√x-5, ये मेरे पास फंक्शन है और मुझे गिवन फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है. अब रेंज कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले x को इन टर्म्स ऑफ y मुझे लेके आना होगा और इसके लिए मैंने क्या किया कि रूट ऑफ x माइनस 5 मस्ट बी इक्वल टू 1/y के इक्वल होना चाहिए. अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो डाटा है रूट ऑफ x माइनस 5 दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ये जो टर्म है मतलब रूट ऑफ x माइनस 5 हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा. इट मीन्स राइट एंड में जो क्वांटिटी है वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. मीन्स 1 तो पॉजिटिव है, मीन्स y मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो मैंने इस कंडीशन को यूज करके मैंने पता कर लिया कि y की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी. ठीक है, अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब रूट ऑफ एक्स माइनस 5 तो 0 भी हो सकता है जब आप x की जगह 5 डालें. लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू 5 इस फंक्शन में सबमिट करते हैं तो ये बनेगा y अपॉन 1/√0 एंड विच इज नॉट डिफाइंड, मतलब आप इस टर्म को 0 नहीं ले सकते. ओनली द पॉसिबल केस इज कि रूट ऑफ x माइनस 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब रूट ऑफ x माइनस 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/y, सॉरी, तो इट सजेस्ट यू y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. सो द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल.